नमस्कार गुड मॉर्निंग आदाब आज मैं तबले की कुछ बारीकियों के बारे में बताऊंगा और कुछ डिफिनेशंस भी बताऊंगा। पहले भी बताया हूं। तो तबले का इतिहास तो मैं बता चुका हूं पहले इसकी उत्पत्ति बता चुका हूं कि कैसे इसकी उत्पत्ति हुई और इसका प्रयोग कब से शुरू हुआ ये बता चुका हूं मैं और इसके वर्ण भी बताए हैं मैंने तबला के के तबला के दस वर्ण होते हैं वो वर्ण भी बताया है मैंने और आज कुछ डिफिनेशंस बताऊंगा कि ताल किसे कहते हैं लय किसे कहते हैं मात्रा किसे कहते हैं विभाग किसे कहते हैं कायदा किसे कहते हैं पलटे या प्रस्तार किसे कहते हैं ये सारी चीज़ें आपके म्यूज़िक एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉटेंट है क्योंकि आप जब म्यूज़िक की कोई परीक्षा देते हैं तो उसमें कई सवाल आते हैं इस तरह के कि तिहाई की डिफिनेशंस बताइए ताल के डिफिनेशंस बताइए और मात्रा के डिफिनेशंस बताइए तो मैं पहले भी बताया हूँ आज फिर से बता रहा हूँ आपको कि तबला एक प्रकाशन इंस्ट्रूमेंट है जो चमड़े का वाद्य होता है उसको हम प्रकाशन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं और ये घन वाद्य है घन वाद्य उसे कहते हैं जिसको स्ट्रोक करके मार के या तो हाथ के उंगलियों के द्वारा या फिर किसी स्टिक के द्वारा जब उस पर हम आघात करते हैं स्ट्रोक करते हैं तो उससे जो साउंड उत्पन्न होता है ऐसे वादों को हम घन वाद्य कहते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि तबला घन वाद्य में आता है जिसको हम स्ट्रोक करके अपनी उंगलियों के द्वारा हाथ से इस पर आघात कर करके और जो साउंड उत्पन्न करते हैं ऐसे वाद्यों को घन वाद्य कहते हैं और चमड़े के जो भी वाद्य हैं इस प्रकार के जिसमें स्ट्रोक किया जाए उन सारे वाद्यों को घन वाद्य कहते हैं और घन वाद्य में ढोलक तबला मृदंग मृदंग को पखावज भी कहते हैं हमारे उत्तर भारतीय संगीत में और दक्षिण भारतीय संगीत में मृदंगम कहते हैं दोनों में फ़र्क है क्योंकि जो हमारा मृदंग है पखावज उसमें एक साइड स्याही लगी होती है और दूसरे साइड आटा लगाते हैं हम लेकिन मृदंगम में स्याही लगी होती है राइट साइड में और उसकी आवाज़ भी बंद होती है क्योंकि उसके किनार बहुत ज़्यादा कटे हुए नहीं होते हैं इसलिए उसमें सस्टेन कम होता है और दूसरी तरफ वो रवा लगाते हैं मीन्स सूजी बहुत कम मात्रा में तो इसलिए उसका जो बेस है उसका साउंड अलग आता है बंद साउंड आता है और जो उत्तर भारतीय संगीत का मृदंग है उसमें जो आटा लगाते हैं तो उसके बेस की आवाज़ खुली हुई होती है जिसमें सस्टेन काफ़ी होता है जैसे ये मार कर मारा मैंने और इसकी जो साउंड का वाइब्रेशन जितनी देर तक रहता है उसको हम सस्टेन कहते हैं तो ये तो मैंने आपको बताया कि प्रकशन इंस्ट्रूमेंट जो भी होते हैं अब नकारा होता है उसको हम स्टिक से बजाते हैं और जैसे ढोल होता है उसको भी स्टिक से बजाते हैं यानी कि मार के स्ट्रोक करके उस पर आघात करके जो हम बजाते हैं उसे घन वाद्य कहते हैं उसी प्रकार तबला भी एक घन वाद्य है अब इसमें बहुत सारी बारीकियां हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानना अति आवश्यक है कि जैसे इसमें ताल तालें बजती हैं अब तालें बहुत सारी हैं ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 200 सौ प्रचलित ताले हैं 200 सौ प्रचलित ताले में मुझे लगता है ऐसा कि 15 से 20 ताले लोग उसका प्रयोग करते हैं और बाकी तालों का प्रयोग कम होता है क्योंकि अब वो पहले का वक्त नहीं है कि उस तरह का गाना बजाना अब हो रहा हो तो आज के दौर में जो भी 10 से 20 ताले हैं उस पे ही ज़्यादा काम होता है कुछ ताले ऐसे हैं जो हम लाइट म्यूज़िक में प्रयोग करते हैं या सुगम संगीत में या लोक संगीत में लोक संगीत मतलब फोक में तो ये जो लोक संगीत है वो अलग अलग जगहों का अलग अलग स्टेट के अलग अलग फोक हैं बल्कि कहा गया है कि भाषाओं का फर्क जो है हर भाषा में जो लोक संगीत गाई जाती है उसे हम लोक संगीत कहते हैं और इंग्लिश में उसको फोक कहते हैं तो जो लोक संगीत गाया जाता है या किसी मेलोडी इंस्ट्रूमेंट्स में बजाया जाता है उसमें जिस ताल का प्रयोग होता है वो ज़्यादातर तालें कहरवा दादरा रूपक दीपचंदी इस प्रकार के खेमटा ये होते हैं तो अब जो ताल है उसके एक विशेषता है और उसकी चंचलता और गंभीरता पे भी डिपेंड करता है कि किस ताल की क्या मर्यादा है तो शास्त्रीय संगीत में जो ताल प्रयोग में आते हैं तीन ताल झप ताल रूपक एक ताल और तिवरा और तिलवाड़ा इस तरह के तालें जो हैं वो तबले में प्रयोग होते हैं धमार है पंचम सवारी है रुद्रताल है अब रुद्रताल में बहुत सारे रुद्रताल हैं तो ताल इतने सारे तालों को हम कैसे पहचानेंगे या ताल की परिभाषा क्या होगी उसका डिफिनेशन क्या होगा तो ताल हम उसे कहते हैं जो किसी मात्राओं का समूह हो और उसको विभागों के द्वारा पहचाना जाता है हम ताल उसे कहते हैं और फिर उसके ठेके भी होते हैं यानी कि ताल के जो बोल निश्चित किए हैं हमारे गुरुओं ने तो उससे ताल की पहचान होती है तो अगर कोई सवाल करे कि ताल किसे कहते हैं तो निश्चित मात्राओं के समूह को निश्चित कहना इसलिए आवश्यक है कि वो कहीं ना कहीं फिक्स होता है जैसे अगर कहरवा की बात करेंगे तो आठ मात्रा फिक्स है वो वो नौ मात्रा का कहरवा नहीं हो सकता है वो फिर ताल बदल जाएगी क्योंकि उसके विभाग बदल जाएंगे तो कहरवा आठ मात्राओं के निश्चित समूह को कहते हैं जिसमें विभाग दो हैं और चार चार के विभाग हैं इसे जिसको हम खंड भी कहते हैं इसी प्रकार तीन ताल है तीन ताल सोलह मात्राओं का एक समूह है और जिसमें तीन ताली होती है और एक खाली होती है अब ये तीन ताली और एक खाली जो है इसको हम विभागों में बांटते हैं कि किस विभाग में किस मात्रा पे कौन सी ताली हुई तो तीन ताल में जो तीन ताली है वो पहली मात्रा पे है और ये पहले विभाग के पहली मात्रा पे है दूसरे विभाग के पांचवी मात्रा पे है तीसरे विभाग के नौवीं मात्रा पे खाली है और चौथे विभाग के तेरहवीं मात्रा पे ताली है तो ये जो विभाग है इसके द्वारा ताल की पहचान होती है और इसके निश्चित बोल हैं जो बोल हैं धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा तो ये सोलह मात्राओं का एक सर्किल चलता है और ये रिपीट होता रहता है इसकी पहली मात्रा को हम सम कहते हैं तो जो तालों को बांटता है उसे हम विभाग कहते हैं अगर विभाग की परिभाषा कोई पूछे तो जो तालों को बांटता है उसके खंडों को दिखाता है उसे हम विभाग कहते हैं और हर विभाग में कोई ना कोई ताली और खाली ज़रूर होती है जिसके द्वारा ताल की पहचान होती है तो तीन ताल में सोलह मात्राएं होती हैं अगर ताल का डिफिनेशन मैंने बताया जैसा आपको कि निश्चित मात्राओं के समूह को जो विभागों द्वारा दर्शाया जाए इसको हम ताल कहते हैं अब ये ताल शब्द कहाँ से आया तो ऐसा मानना है और ऐसा ग्रंथों में लिखा है कि शिव जी ने जब तांडव किया था तो उसके जो पहले अक्षर थे ता तांडव का ता और पार्वती जी ने जो नृत्य किया था जिसे हम ला से नृत्य कहते हैं तो उसके पहले अक्षर ला का को लेकर ताल का शब्द बनाया तो इस प्रकार से ताल शब्द आया हमारे समक्ष तो ऐसा मानना है कि शिव जी के तांडव का ता और पार्वती जी के लास्य नृत्य से ला लेकर ताल की उत्पत्ति हुई जिसको निश्चित मात्राओं में बांधा गया और उसमें अलग अलग विभाग दिखाया गया तो ये तो ताल की परिभाषा हुई अब उसके विभागों का परिभाषा ये है कि जो ताल को अलग अलग खंडों में बांट के दिखाए उसे हम विभाग कहते हैं तो तीन ताल में चार विभाग हैं और हर एक विभाग में चार मात्राएं हैं और हर चार मात्रा में कोई एक ताली या खाली होती है जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले विभाग में पहली मात्रा पे पहली ताली है दूसरे विभाग में जो चार मात्रा आ रहा है उसकी पांचवी मात्रा पे ताली आती है तीसरा विभाग भी चार मात्रा का है उसकी नौवीं मात्रा पे खाली आती है और चौथा विभाग जो है वो भी चार मात्रा का है जिसके तेरहवीं मात्रा पे ताली होती है इस प्रकार तीन ताल में तीन ताली और एक खाली होती है और चार विभाग होते हैं तो ये तो विभागों के बारे में बात हुई अब अगर कोई पूछे कि ताल की सबसे छोटी इकाई क्या है तो ताल की सबसे छोटी इकाई को हम मात्रा कहते हैं तो इस प्रकार जो है जो निश्चित मात्राओं का इतना बड़ा समूह है उसकी सबसे छोटी इकाई मात्रा कहलाती है और लय जो है मात्रा के बाद लय इम्पॉर्टेंट है जिसे हम गति कहते हैं आप गति को ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो लयात्मक है एक गति में चल रही है जैसे दिन होते हैं रात होते हैं तो ये जो ट्वेंटी फोर आवर्स है चौबीस घंटे का एक सर्कल चल रहा है आप वो जो गति है वो जो एक एक मिनट की दूरी है वो 24 घंटे से 25 घंटे नहीं हो सकता है 24 घंटे में ही जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाकर जो है अपना एक पूरा सर्कल पूरा करती है और तब एक दिन होता है इसी प्रकार जो है लय की परिभाषा गति से है कि जो एक मात्रा से दूसरे मात्रा की दूरी है और उसकी जो गति है उसको हम लय कहते हैं तो ये तो मैंने आपको लय के बारे में बताया अब इसी प्रकार जब हम तबले में कुछ बजाते हैं सीखते हैं जब उस्ताद या गुरु हमें कुछ बताते हैं तो वो किसी कायदे से शुरू करते हैं कायदे का मतलब होता है अनुशासन और इसीलिए शास्त्रीय संगीत में एक अनुशासन है उस अनुशासन के बाहर हम नहीं जा सकते हैं तभी वो शास्त्रीय संगीत है अगर हम सत्रह मात्रा के सो तीन ताल बजाएंगे तो ये अनुशासन से विरुद्ध हो जाएगा नियम टूट जाएंगे और ऐसा हो ही नहीं सकता है तो कायदा जो है वो आपके हैंड्स को फिंगर्स को सही दिशा में चलाने के लिए कायदे का निर्माण किया गया है जब आप रियाज करते हैं तो एक नियम होता है तो कायदा जो है वो एक नियम है उसमें भी कुछ बोल होते हैं कायदे के और जो पहले बोल होते हैं उसको हम बंदिश की बोल कहते हैं जैसे आपको मैं आप बजा के बताऊं। कायदे के बारे में कि मान लीजिए अब कायदे बहुत प्रकार के होते हैं अलग अलग बोलों के कायदे होते हैं फिंगर को संतुलित करने के लिए प्रैक्टिस के लिए कायदे का बजाना रियाज़ करना प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है अब जैसे अगर धाधा तेटे का कायदा है तो उसकी जो पहली बंदिश है अब इसमें भी आरोह और अवरोह है यानी कि भरी और खाली तो अगर हम धा धा ते टे धा धा ती ना या तू ना दोनों हो सकते हैं ये घराने का फ़र्क है फिर तू ना और ती, ना। क्योंकि कुछ घराने में तू ना बजाते हैं कुछ घराने में ती, ना बजाते हैं तो जो धा धा ते टे धा धा ती ना, ये एक आरोह हुआ अब अवरोह में जो है हम जिसे खाली के, भरी बजाए पहले और उसके बाद खाली बजाएंगे तो वो होगा ता ता ते टे और धा धा धी ना तो ये बंदिश के बोल कहलाते हैं तो ये कायदा जो है धा धा ते टे धा धा थी ना ता, ता ते धा धा ही ना ये बंदिश के बोल हो गए अब इसके आगे जब हम बढ़ते हैं मैंने आपको कायदे का डिफिनीशन्स बताया कि कायदा जो है वो एक नियमबद्ध तरीका है हाथ को संतुलित करने के लिए अब इसमें पलटे आते हैं जिसे हम प्रस्तार भी कहते हैं यानी कि इसकी बढ़त करना जैसे गाने में हम बढ़त करते हैं कि उसके अंतरे होते हैं फिर उसमें ताने होती हैं फिर उसके बोल तान होते हैं इसी प्रकार तबले में भी क्योंकि ये एक साहित्य है तबले का संगीत का तो ये साहित्य ही जो है वो कायदे का निर्माण करता है तो जो पलटे हैं वो जब इन बोलों को हम आगे की तरफ बढ़त करते हैं तो उसको पलटा कहते हैं या प्रस्तार कहते हैं तो पलटे जो हैं वो उसके भी बनाने का एक नियम है और नियमबद्ध तरीके से हम इसका बढ़त करते हैं विभागों के द्वारा जो विभाग निश्चित हैं उसके हिसाब से हम पलटे बनाते हैं अब जैसे चार मात्रे का एक विभाग है तो चार चार मात्रे के हिसाब से इस तरह से बनता है जैसे धा धा ते टे धा धा ते टे ये चार मात्रा हो गया अब धा धा ती ना ये चार मात्रा हो गया यानी कि खाली तक आ गए हम आठ मात्रा कंप्लीट हो गया अब नौवीं मात्रा जो खाली है वहाँ ता, ता ते टे अगेन जो चौथा विभाग है उसमें धा धा धी ना ऐसा बजाते हैं तो ये 16 मात्राओं में कंप्लीट होता है अब इसके जो पलटे बनेंगे तो हम इसको रिपीट करेंगे टू टू टाइम्स तो इस प्रकार से इसकी बढ़त होगी जैसे धा धा ते टे धा धा ते टे धा धा तीना धा धा तीना एंड ती ता ता ते टे टे एंड धा धा धीना धा धा धीना तो ये बढ़त हुई अब इसके बाद भी अगर बढ़त करेंगे तो जैसे अभी हमने टू टाइम बजाया धाधा तेटे धाधा तेटे फर्स्ट टाइम जो बंदिश के बोलते वो था धाधा तेटे धाधा तीना ताता तेटे धाधा धीना अब इसके जो पलटे बने वो टू टाइम बजे धाधा तेटे धाधा तेटे फिर धाधा तीना धाधा तीना एंड ताता तेटे ताता तेटे नेक्स्ट धाधा दीना धाधा दीना अब अगर इसके तीसरे पलटे बनाने होंगे तो हम इसको तीन बार बजाएंगे धाधा तेटे धाधा तेटे धाधा तेटे और वन टाइम धाधा तीना तो ये कंप्लीट होगा विभागों में फिर इसी प्रकार खाली जब बजाएंगे ताता तेटे ताता तेटे तो चूंकि इस में जो दूसरे विभाग में तीसरे विभाग में जो खाली आ रहा है वहाँ ताता तेटे ताता तेटे बजा और चौथे विभाग में धाधा धीना ताता तेटे ताता तेटे और चौथे विभाग में जो ताली आ रही है तेरहवीं मात्रा पे उस पर धाधा तेटे अगेन धाधा धीना बजेगा तो ये तीन प्रकार मैंने बता दिए दो प्रकार बताए पलटे के और एक बंदिश बताई तो इस प्रकार से कायदे की बढ़त होती है इसमें और भी आप बना सकते हैं खुद भी क्योंकि ये एक मैथमेटिक्स है कि हमको 16 बीट्स के अंदर ही बनाना है और आना है और पहली मात्रा पे सम होता है अब हम वापस आते हैं डिफिनेशंस की तरफ सम जो है वो किसी भी ताल की पहली मात्रा को कहते हैं सम किसी भी ताल की पहली मात्रा सम कहलाता है तो हमें वहाँ आना होता है क्योंकि वो हमारा डिस्टिनेशन है वहाँ हम आकर के और रुकते हैं अगर कोई तिहाई भी लगा रहे हैं तो सम पे आकर के ख़त्म करते हैं तभी वाह मिलती है अगर आप सुंदर बजा करके और अच्छी तिहाई लगा के सम तक आते हैं तो और ये जो चक्र है सोलह मात्रे का तो ये जो पूर्ण एक चक्र है उसको हम आवर्तन कहते हैं तो आवर्तन के डिफिनेशंस जो है वो ये हो जाती है कि ताल के पूर्ण चक्र को आवर्तन कहते हैं ताल के पूर्ण चक्र को यानी कि पहली मात्रा से पहली मात्रा तक नॉट ए सिक्सटीन बीट ऐसा नहीं होगा कि एक मात्रा से सोलह मात्रा तक तीन ताल कंप्लीट हो गया तो आवर्तन कंप्लीट हो गया नहीं क्योंकि हमें सम पे आना है पहली मात्रा से पहली मात्रा तक यानी कि एक से एक तक पूरा एक सर्किल कंप्लीट होता है जब तो हम उसे आवर्तन कहते हैं इसी प्रकार से हम जब कोई टुकड़ा कोई तिहाई बजाते हैं तो उसमें आवर्तनों का जो है प्रयोग होता है कि हम कभी कभी एक ही आवर्तन में टुकड़े लगाते हैं तो टुकड़े का अर्थ होता है कि कोई पीस यानी कि एक छोटा पीस जो एक आवर्तन में आ जाए तो जो छोटा छोटे बोलों के समूह को हम टुकड़ा कहते हैं ये तो टुकड़े तुक, की परिभाषा हो गई कि अगर हम किसी छोटे बोल के समूह को एक आवर्तन से दो आवर्तन में बजा के आ जाते हैं तो उसको हम टुकड़ा कहते हैं जैसे मैं टुकड़ा आपको बजा के एक आ, बताता हूँ के किसको कहते हैं टुकड़ा अब जैसे दिन दिन तेटे तेटे तागे तेटे घे घे तेटे धा त्रिकट धे तेटे कत्ता घे घे नाना घे घे त्रिकट धा कत्ता घे घे नाना घे घे त्रिकट धा कत्ता घे घे नाना घे घे त्रिकट धा तो ये जनरली मध्य लय में बसता है कि धा धिन धिन जब ये लय रखी जाएगी तो यहाँ पे टुकड़े बजाना आसान होता है अब धा धा दिन दिन ना ना, ते ते, ते धा धा धा, एक बार में भी आ सकता है और आप इसकी तिहाई भी लगा सकते हैं कि कथ धा कत धा कत धा कत धा कत धा कत धा कथ धा 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 तो ये टुकड़ा हो गया तो जो छोटे बोल के समूह होते हैं उसे हम जो है एक आवर्तन से दो आवर्तन के बीच में लगाकर सम पे आते हैं अपने डेस्टिनेशन पे आते हैं तो हम उसको टुकड़ा कहते हैं तो अभी आपको मैंने लय के बारे में बताया सम के बारे में बताया टुकड़े के बारे में बता दिया अब जो ये इसमें ताली और खाली है ये ये क्या है ये एक क्रिया है और क्रिया में भी दो तरह के क्रिया होते हैं एक सशब्द क्रिया और एक निशब्द क्रिया कि ताली जो है वो एक सशब्द क्रिया है सशब्द क्रिया जिसमें शब्द उत्पन्न हो साउंड हो जैसे हम ताली मारे तो ये जो साउंड आया इसको हम सशब्द क्रिया कहते हैं तो इसी प्रकार अगर खाली है तो हम उसमें ताली ना बजा करके हवा में हाथ हिलाते हैं इस प्रकार जिसमें कोई शब्द नहीं आता है ऐसे इशारे को हम निशब्द क्रिया कहते हैं और ये खाली का डिफिनेशन होता है अगर परीक्षा में सवाल आ जाए कि ताली किसे कहते हैं तो आप कॉन्फिडेंटली लिख सकते हैं कि ताली हम उसे कहते हैं जो एक सशब्द क्रिया है जिसके दोनों हाथों के परस्पर आघात से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको हम ताली कहते हैं ये आप ध्यान से समझ लीजिए ताली किसे कहते हैं दोनों हाथों के परस्पर आघात से यानी हम एक दूसरे पे मार रहे हैं स्ट्रोक कर रहे हैं आघात कर रहे हैं तो ये आघात से जो साउंड उत्पन्न हुआ उसको हम ताली कहते हैं फिर से मैं बता रहा हूँ आपको कि ताली एक सशब्द क्रिया है और दोनों हाथ के परस्पर आघात से दोनों बराबर से जब तक नहीं लगेगा तो साउंड सही उत्पन्न नहीं होगा तो इसमें साउंड का उत्पन्न होना वो इम्पॉर्टेंस है और इसलिए हम ताली के डिफिनेशन्स में ये बताते हैं कि दोनों हाथों के परस्पर आघात से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे हम ताली कहते हैं इसी प्रकार खाली के, के लिए अगर कोई सवाल आ जाए कि खाली किसे कहते हैं तो हम बताते हैं कि जब हाथ को हम हवा में बाहर की तरफ हाथ में अंदर की तरफ ना होकर बाहर की तरफ जब हम ऐसे इशारा करते हैं जो कि एक निशब्द क्रिया है जिसमें कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है इसको हम खाली कहते हैं तो ये ताली और खाली की डिफिनेशंस हो गई देखिए आपको मैं बहुत सारे डिफिनेशंस बता रहा हूँ जो भी बच्चे संगीत में रुचि रखते होंगे और जो परीक्षा देते होंगे जैसे संगीत में स्कूल में भी आजकल म्यूज़िक कंपलसरी हो गया है हमारे भारत सरकार ने इसको कंपलसरी किया है संगीत को तो उसमें उसकी परीक्षा भी होती होगी और जो सिलेबस है उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं और उसी के अंदर से आपसे सवाल पूछे जाते हैं जिसको आपको लिखना होता है या बताना होता है अगर ओरल है तो अगर रिटर्न है तो आपको लिख के बताना होगा तो हम इसके डिफिनेशन से इसके परिभाषा इस प्रकार से लिखते हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत इनिशियल हैं शुरुआती दौर के हैं जो कि ये जानना बहुत ज़रूरी है तभी आप आगे बजाना शुरू कर सकते हैं तो हम ताली और खाली पे थे मैंने बताया आपको कि ताली जो है एक शशब्द क्रिया है और खाली एक निशब्द क्रिया है अब इसका जब हम डेफिनेशंस लिखेंगे तो लिखेंगे दोनों हाथों के परस्पर आघात से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे हम ताली कहते हैं और जब हम हाथ हवा में बाहर की तरफ हिलाते हैं और दिखाते हैं तो वो खाली कहलाती है मैंने आपको मात्रा के बारे में बताया लय के बारे में बताया कि लय एक गति है एक मात्रा से दूसरे मात्रा के जो दूरी है उसको हम लय कहते हैं और ये दूरी बराबर होती है जैसे एक मिनट में साठ सेकेंड होते हैं और वो हर सेकेंड एक से दो बराबर चलता है ऐसा नहीं कि एक पहले चलेगा एक थोड़ा फास्ट चलेगा तेज़ चलेगा एक थोड़ा स्लो चलेगा ऐसा नहीं होगा नहीं तो फिर वो टाइमिंग सही नहीं होगी यानी कि लय सही नहीं होगा तो एक निश्चित गति एक मात्रा से दूसरी मात्रा तक जो पहुंचती है वो लय कहलाती है अब मैंने टुकड़े के बारे में आपको बताया इसी प्रकार तबले में तिहाइयाँ बजती हैं अब जैसे हम कोई कायदा बजाते हैं तो उसके अंत में एक तिहाई भी लगा के उसका अंत करते हैं समापन करते हैं ख़त्म करते हैं उस कायदे का वहाँ पे समापन होता है फिर हम आगे बढ़ते हैं दूसरे कायदे की तरफ या फिर लय बदलते हैं इसी प्रकार संगीत में लय लय के भी प्रकार हैं और लय जो है वो तीन प्रकार के लय हैं पहला जो है वो विलंबित लय है विलंब का मतलब ही देर से है यानी कि धीमी गति की लय तो जो धीरे बसता हो जैसे धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा दा, धा दा, धागे तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा तो ये चूंकि देर से बज रहा है धीमी गति में बज रहा है तो इसको हम विलंबित लय कहते हैं इसी प्रकार मध्य लय होता है ताल आपको मैंने बताया लय तीन प्रकार के होते हैं विलंबित मध्य और द्रुत अब जो मध्य लय है तो मध्य का मतलब होता है बीच, यानी के विलंबित और द्रुत ये दोनों के जो बीच की लय है उसको हम मध्य लय कहते हैं जैसे हमने अभी अभी आपको विलंबित में बजा के बताया कि धा धिन धिन ये विलंबित है अब अगर मध्य लय बजाएंगे तो धा धिन धिन धा और जो मध्य लय है वो लगभग उसकी दुगुन की लय होती है अब ये मैं आपको ठा दुगुन तिगुन चौगुन के बारे में भी बताऊंगा अभी तो ये मध्य लय आ धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा अब आपको कैसे पता लगेगा कि यह मध्य लय है तो उसके लिए द्रुत लय का सुनना और जानना जरूरी है तो आपको मैं द्रुत लय बजा करके बता रहा हूँ धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन धा ता दिन दिन दा दा। अब ये जो विलंबित और द्रुत इसके बीच की लय हुई धा धिन धिन धा और ये जो भी लय है वो जैसे अगर विलंबित है तो उसके दुगुन लगभग दुगुन की लय जो होती है उसको हम मध्य लय कहते हैं और जो उससे भी दुगुन की लय हो जाती है जिसको हम द्रुत लय कहते हैं वो द्रुत लय कहलाती है तो विलंबित और द्रुत के बीच की लय को मध्य लय कहते हैं और द्रुत का मतलब है तेज़ अगर हम तेज़ गति में हैं तो उसको द्रुत कहते हैं कि लोग कहते हैं जैसे कि ये बड़ा द्रुत गति में जा रहा है जब आप फास्ट चलते हैं तो कई लोग कहते हैं बहुत द्रुत गति में जा रहा है तो द्रुत का मतलब होता है तेज तो ये तीन प्रकार की लय हैं विलंबित मध्य और द्रुत और इसी प्रकार अगर उससे भी बहुत तेज़ होता है तो फिर अति शब्द का उपयोग होता है अति का मतलब बहुत ज़्यादा तो ज़्यादा तेज़ लय जो है वो अति द्रुत लय वैसे तीन ही प्रकार हैं विलंबित मध्य और द्रुत लेकिन आजकल जो आर्टिस्ट हैं जो कलाकार हैं वो अपनी रियाज़ को दिखाने के लिए अपनी साधना को बताने के लिए अति द्रुत में भी जा कर के और आपको बजा करके और आपको आनंदित करते हैं तो ये तो लय की बात हुई अब मैं आ जाऊँ ठा किसे कहते हैं ठा का मतलब हुआ ठहरी हुई लय यानी उसमें एक बीट पे एक गिना जाएगा तो उसको ठा कहेंगे यानी कि जैसे आपको मैं तीन ताल की ताली दे के दिखा रहा हूँ के एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह एक तो ये ठा है ठा का मतलब एक गुण एक गुण में एक गिना जाएगा अगर ये दुगुन होगा तो एक में हम दो गिनेंगे जैसे एक दो यानी कि एक ताली मारा और दो गिना अब अगर हम दूसरी मात्रा गिनेंगे तो तीन चार यानी एक मात्रा में दो मात्रा को बोलने के तरीके को हम दुगुन कहते हैं पहला एक गुण था अब मैं दुगुन बता रहा हूँ यानी एक मात्रा में जब हम दो मात्रा बोलेंगे तो उसकी लय को दुगुन की लय कहेंगे जैसे कि एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह एक यानी मैंने सोलह में बत्तीस गिन दिया अगर मैं जैसे आप ताली लगाते हैं अगर तो आप एक गुण की ताली लगाएं और मैं आपको बत्तीस गिन के दिखाता हूँ जैसे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठार उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इक्तीस बत्तीस एक तो यानी एक मात्रा में जब हम दो मात्रा बोलते हैं ऐसी लय को हम दुगुन की लय कहते हैं इसी प्रकार तिगुन की लय होती है यानी एक में तीन बोलने की गति को तिगुन की गति या तिगुन की लय कहते हैं जैसे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह एक तो इस प्रकार जब हम एक मात्रा में तीन मात्रा बोलते हैं तो ऐसी लय को ऐसी गति को तिगुन की गति कहते हैं यानी कि आप 16 में 48 गिन रहे हैं ये एक मैथमेटिक्स है संगीत जो है वो सिर्फ संगीत नहीं है इसमें आपको एजुकेशंस के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी अगर आप संगीत सीखते हैं तो दूसरी बात संगीत करना जो है ऐसा शास्त्रों में कहा है कि सारी विद्याओं में संगीत एक सर्वश्रेष्ठ विद्या है तो इसमें मैथ भी है फिजिक्स भी है जैसे मैथ है तुम हम गिनती गिन के बता रहे हैं फिजिक्स है यानी कि इसकी जो लय है जो गति है वो फिजिक्स है इसी प्रकार जो आप में रंजकता पैदा होती है जिससे आप आनंदित होते हैं इसको कहते हैं बायोकेमिस्ट्री तो ये पूरा साइंटिफिक है संगीत और इसके बहुत प्रयोग हो रहे हैं इवन आजकल इलाज भी कर रहे हैं यानी कि म्यूज़ियोथेरेपी तो इस प्रकार से जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे साधना करेंगे रिसर्च करेंगे तो आप एक दुखी व्यक्ति को उसको आनंद दे सकते हैं सुख पहुंचा सकते हैं अपने संगीत के द्वारा तो अभी मैं लय पे वापस आता हूँ जैसा मैंने आपको बताया कि तिगुन की लय यानी कि 16 में 48, जब हम सिक्सटीन थ्री मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 48 होता है क्योंकि हिंदी की गिनती तो मुझे लगता है कि बहुत कम बच्चों को आती होगी और आजकल इंग्लिश की गिनती ही सब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसा समझ पाते हैं एक दो तीन चार जो हिंदी की गिनती है वो कम बच्चे समझते हैं इसलिए मैं आपको अंग्रेज़ी में भी समझाता हूँ कि सिक्सटीन इंटू थ्री जोटी एट तो ये तिगुन की लय हुई यानी कि सोलह मात्रा में अड़तालीस मात्रा बोलना एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह एक यानी कि हमने सिक्सटीन को थ्री टाइम बोला और ताली लगाया सिक्सटीन का ही तो ये हो गई तिगुन की लयर अब हम एक मात्रा में अगर चार मात्रा बोलते हैं तो वो हो जाती है चौगुन की लय यानी कि आप 16 बीट में 64 बीट्स काउंट कर रहे हैं तो इसमें गति बढ़ जाती है और ये गति का बढ़ना ही जो है वो लय को डिफर करता है अलग करता है कि एक गुण में बराबर की लय दोगुन में उसकी दुगुन की लय यानी दो डबल गति डबल स्पीड इसी तरह ट्रिपल स्पीड इसी तरह फ्रो फोर स्पीड जो है तो चौगुन में एक मात्रा में हम क्या करते हैं एक में फोर बीट काउंट करते हैं यानी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोरटीन फिफ्टीन सिक्सटीन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एट एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन वन यानी मैंने सिक्सटीन में सिक्सटी फोर बीट काउंट किया ऐसे स्पीड को हम चौगुन की लय कहते हैं तो आज आपको चार प्रकार की लय बताया मैंने एक गुण दो गुण तीन गुण चार गुण मैं इसको बजा के भी आपको बता सकता हूँ दिखा सकता हूँ अगर आप समझ पाते हैं तो आप अगर ताली लगाते हैं कोई बच्चा अगर संगीत सीखता है तो वो काउंट करे इस लय को एक गुण को धा धिन धिन, धा ये एक गुण है धिन धिन धा तिन, तिन, ता ता धिन धिन धा 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 अब डबल धा, धा, सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह एक दो तीन चार पाँच छः ये चौगुन किल अब ये पता कैसे लगता है उसके लिए हमारे साथ एक हमारे सपोर्टिव आर्टिस्ट होते हैं सारंगी या हारमोनियम पे जो वो लय दिखाते हैं जिसको हम नगमा या लहरा कहते हैं वो लहरा जो है एक गुण के स्पीड में रखते हैं जैसे धा धिन धिन धा धा तो यहाँ पे लहरा बजता रहेगा एक संगीत बजेगा जो सिक्सटीन बीट के सर्किल का होगा वो एक गुण में बजेगा और जो तबला वादक होते हैं उसमें अलग अलग लय वो दिखाते हैं वो उनकी गुणवत्ता होती है और इसी से उनके गुणी होने का पता लगता है तो जैसे हमने चौगुण बताया इसी तरह पांच गुण है इसी तरह छः गुण है सात गुण है आठ गुण है तो आप जितना स्पीड को बांट सकते हैं और सम पे आ सकते हैं तो इसको लय बांटना भी कहते हैं तो ये तो चौगुण हो गया आपको मैंने मैं फिर से बता के दिखाता हूँ बजा के कि एक गुण है धा धिन, धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता, धिन, धिन। अब डबल धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा अब ये दुगुन बजाया अब आपको तिगुन बजाता हूँ धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा दा दिन दिन दा 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 अब चौगुन हो जागी दा दिन दिन दा 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 ये चौगुन की लय है अब इस लय में ज़्यादातर तबला वादक जो हैं वो या तो टुकड़े तिहाई परन या रेला बजाते हैं इस प्रकार से रेला बजता है चौगुन किले में तो आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं चलिए मैं आपको एक छोटी सी ताल आज बता के जाता हूँ ताकि आप उस ताल को सीख करके और किसी भजन के साथ या गाने के साथ बजा पाएँ तो दादरा एक छोटी सी ताल है जिसमें छः मात्राएँ होती हैं और दो विभाग होते हैं उसके बोल हैं धा ना धा ना और ये ताली कैसे लगाएंगे हम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स दो विभाग हैं यानी पहली मात्रा पे ताली और चौथी मात्रा पे खाली और इसके बोल हैं धा ना धा ना धा ना धा ना धा अब ये प्रयोग कैसे होते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भजन है जैसे ठुमक चलत राम चंद्र ठुमक चलत राम चंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत राम चंद्र जनि ठुमक चलत राम चंद्र ठुमक इसके बोल रा ह धा ता धिन दिन धा तिन, तिन ता दिन दिन ना ता दिन दिन धा तिन तिन ता दिन दिन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 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 धा तीन तिन ता दिन दिन धा तो ये दादरा का एक प्रकार बजाया मैंने जो इस भजन में बजता है जो किताब के बोल हैं वो है धा धी ना धा ती ना धा धी ना धा ती ना धा, धा पर जब हम संगीत के साथ प्रयोग करते हैं तो उसके वेरिएशन बजाते हैं उसके छंद के अनुसार ताकि उस भजन या गाने में वो सुंदर प्रतीत हो जैसे मैंने गा के आपको बताया एक भजन ठुमा के चलत रामचंद तो उसमें धा धी ना धा ती ना बजाना सुंदर नहीं लगता है इसलिए उसके एक वेरिएशन को बजाया धा तिन तिन ता दिन दिन है ताल दादरा ही ये दादरा का वेरिएशन है ता ता दिन दिन, धा तिन तिन ता दिन। चलत राम चंद्र बजतिया ठुमके चलत राम चंद्र ठुम के तो आज आपको मैंने एक ताल भी सिखा दिया दादरा ताल जो कि छः मात्रा का है इसमें दो विभाग हैं पहली मात्रा पे ताली है और चौथी मात्रा पे खाली है ओके नमस्कार बाय